when 4D is the MCQs. Time value of money, 4D, page number 4.44. Read the first MCQs. A equal to 5200. R equal to 5%. N equal to 6 years. P find करना है. कभी भी any word use नहीं किया है. Solvent word use नहीं किया है. Simple integer ही दे दिया है. उसका मतलब find the A, find the P. Sorry, find the P. So single installment की formula. Single installment की formula. P equal to 3880. Second. P equal to 1000. N equal to 4 years, R equal to 5%, find the CI, compound interest, यहाँ पे P पूछा था, now CI, CI इले compound interest, पहले आपने A find किया, A minus P, तो आपका I आया 215.50, third MCQ, time in which sum of money will be doubled at 5%, assume that P equal to 1, A equal to 2, P 1 है, A 2 है, R आपका है 5%, R है आपका 5%, raise to N, 2 equal to 1.05, raise to N, फिर हमारा set C है ना, C का 8 MCQs and 10th MCQs, यही figure है, 1.05 raise to N, उसमें हमने काउंट किया है n का वैल्यू 14.2 n का वैल्यू 14.2 फ्रेंड्स मिस्टेक मत करना यहां पे 5% है 6 होता 7 होता 8 होता तो यहां से चेंज हो जाता आपको ऑप्शन 14.2 दिया है तो आपको यहां पे परसेंटेज भी देखना पड़ेगा फोर्थ a इक्वल टू 10000 p पूछा है A 10,000 are 4% in 18 years. Find the P with normal formula single installment 4936.30. Remember, यहाँ पे भी आपको कहीं पे भी annuity installment कुछ नहीं बोला है. Fifth, time by which sum of money will be tripled. Double यानी 3 times. आपका P यहाँ पे 1 है, तो ये आपका 3 हो जाएगा. तो 8% है 1.08 raised to n 1.08 raised to n फ्रेंड्स एलसी ले लो और n फाइंड करो 14 टाइम्स करोगे तो 2.937 तक पहुंचोगे 15 टाइम्स करोगे तो 3.1721 तक पहुंचोगे तो हमारा 3 रेशियो के बीच में है यानी 14 एंड 15 के बीच में आपका n आएगा 14 पे इतना 15 पे इतना डिफरेंस This. ये difference के लिए 1 year चाहिए 0.235 के लिए 1 year तो हमें तो 3 तक जाना था यहाँ से 3 तक पहुँचना था तो 3 minus 2.9 से 7 1 14 years का जो आपका value आया वो 3 में से less किया ये difference है 0.0629 यह difference के लिए 1 year चाहिए तो यह difference के लिए nearest to 0.27 something but यहाँ पे nearest answer 0.28 दिया है तो 14.28 आपका n आएगा then remember that यहाँ पे 14 year तक हम 3 से कम है 15 में 3 से बढ़ जाते हैं तो हमें between value find करने के लिए 15-14 का difference and 3-14 का difference for growth multiplication से find करना है तो 14 plus answer is that will be 14.28 Friends, MCQ 7. Person bought a house paying 20,000 cash down. आप स्कूटी लेने जाओगे, अभी 20,000 cash down अभी भर देते हो. 4,000 का at the end of each year का installment भरते हो. 25 साल तक installment भरते हो. 5% rate of interest चल रहा है. Cash down price is how much? यानी cash price. केस डाउन के पीछे प्राइस वर्ड यूज किया अभी और अभी परचेस करोगे केस लेके परचेस करोगे तो कितना होगा केस प्राइस फ्रेंड्स आपको क्लियरली 7 एमसीक्यू जो हम कर रहे थे उसमें 20,000 इज डाउन पेमेंट 20,000 इज डाउन पेमेंट
इंस्टॉलमेंट है 4000 का, इंस्टॉलमेंट है 4000 का, एन है 25 इंस्टॉलमेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है। पहले आपने क्या किया, 4000 का जो इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो 25 साल तक उसका प्रेजेंट वैल्यू फाइंड किया। 4000 का इंस्टॉलमेंट 25 साल तक आप जो पे करोगे उसका आज का वैल्यू आएगा 56,375.50। जो डाउन पेमेंट किया अभी आपने, दैट इज 20,000। वॉट एवर यू पेड एज अ डाउन पेमेंट, दैट इज नाउ यू पे। फ्यूचर के इंस्टॉलमेंट का प्रेजेंट वैल्यू प्लस डाउन पेमेंट विल बी कैश डाउन प्राइस, दैट इज 56,375.50 प्लस 20, आंसर 76,375.50। बीच में 6 है वो देख लो, प्रेजेंट वैल्यू पूछा है, 80 रुपीज का इंस्टॉलमेंट है, 80 रुपीज 20 इयर्स 5% एंड प्रेजेंट वैल्यू 997 अप्रॉक्स। नाउ लास्ट एमसीक्यू 8, मेन परचेज हाउस वैल्यू 3 लाख, 3 लाख का हाउस परचेज किया, पेड इमीडिएटली 2 लाख, अमाउंट ऑफ लोन कितना बचा, 1 लाख, कितना बचा 1 लाख, बैलेंस विथ इंटरेस्ट 12% कंपाउंडेड हाफ ईयरली, बैलेंस 12% कंपाउंडेड हाफ ईयरली इन 20 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट। फ्रेंड अभी तक जितने क्वेश्चन किए ना उसमें एनुअल इंस्टॉलमेंट, ये एक ही एमसीक्यू ऐसा है जिसमें हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है, अंडरलाइन करो, मेन वर्ड है हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट। हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट जब पे करोगे आप, हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट पे करोगे तो आई भी आपको हाफ ईयरली चाहिए, दैट इज 6%, दैट इज 6%। 1 लाख ए 1.06 एस टू 20 माइनस 1 दिस इज द आई एंड 1.06 एस टू 20 8,718.45 is your installment। रिपीट कर रहा हूँ, 3 लाख का मकान है, 2 लाख अभी दे दिया, 1 लाख का लोन है, 1 लाख का आप 6-6 महीने का 20 इंस्टॉलमेंट कर रहे हो, हाँ आपको एनुअली दिया है तो उसको हाफ ईयरली आपने कन्वर्ट किया, फॉर्मूला में रख दिया 1.06:20 / 1.06:20। पूरा शॉर्ट पे हम डिवाइस करवा देते हैं, सबसे पहले हमने सिंपल इंटरेस्ट किया, सिंपल इंटरेस्ट में आई इक्वल टू पी आई डिवाइड बाय 100 नॉर्मल फॉर्मूला थी, एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में सिंगल इंस्टॉलमेंट ए पी 1 + 100 / 10, और एन्यूटी वाला वेरी इंपॉर्टेंट फ्यूचर वैल्यू है एन्यूटी में, तो हमने किया हुआ है ए 1 + i / n - 1 डिवाइड i, मालूम कैसे बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट है फ्यूचर में बड़ा अमाउंट मिलने वाला है तो वो फ्यूचर वैल्यू है, और लोन अमाउंट है अभी बड़ा अमाउंट आया है तो प्रेजेंट वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू में सिर्फ इतना ऐड करना है 1 + i / n, सिंगल इंस्टॉलमेंट है तो ऐसा वर्ड होगा एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर, और एनुअल यानी एन्युइटी है तो ईच इंस्टॉलमेंट एवरी ईयर एन्युइटी ऐसा वर्ड होगा। क्वेश्चन पढ़ो, गोल्डन पेज का मैसेज की तरह पढ़ो, एक एक वर्ड आराम से पढ़ो, तो ही आप सही फॉर्मूला सिलेक्ट कर पाओगे, और फॉर्मूला के लिए रिवीजन चार्ट है वो मेरा रिवाइज करो, बने रहिए मेरे साथ, हर एक टॉपिक के डिटेल वीडियो मिलते रहेंगे, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, थैंक यू वेरी मच।